तो कैसे हैं आप लोग? जैसे हम लोगों को पता था मार्च महीने में रिजल्ट आने वाला है, तो आ गया है रिजल्ट। और जो रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि कोई भी अगर बंदा है जिसका इस पोस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, इट्स वेरी नॉर्मल, नहीं होता है बहुत लोगों का, मैक्सिमम लोग छट जाते हैं फाइनल स्टेज में। तो अगर नहीं हुआ है, डोंट बी डिसहार्टन। सीजीएल 22 में आई होप कि तुम लोगों का अच्छा मार्क्स आया हुआ है। अगर नहीं आया हुआ है, प्रिपेयर फॉर सीजीएल 2023, चांसेस विल कम, डोंट बी मच टू डिसहार्टन। बट अभी फाइनल रिजल्ट के बारे में अगर बात करें, तो मैक्सिमम मिनिमम कट ऑफ के बारे में एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिया है, EWS, SC, ST, OBC, UR, ESM, OH, VH, HH, PWD, जितना कैटेगरीज होता है CGL में। अब TACBIC का कट ऑफ गया है मिनिमम, और WO का कट ऑफ गया हुआ है मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। अच्छा, EWS का मिनिमम कट ऑफ गया हुआ है 540 और मैक्सिमम गया है 650। जिन लोगों को WO मिला है, वो लोगों को WO तो मिल गया है, लेकिन 540 हैज बीन द मिनिमम कट ऑफ, जहां पे टायर 2 का एवरेज मार्क्स मैं जो देख रहा हूं 40-42 है, वहां पे टायर 3 के बाद मिनिमम कट ऑफ जो जा रहा है फाइनल रिजल्ट में, वो है 540। दैट्स अ प्रीटी ह्यूज नंबर। SC 499 मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था, 495। ST 477 मैंने प्रेडिक्ट किया था 490। OBC 542 मैंने प्रेडिक्ट किया था 545 TACBIC के लिए। सबका ही मैक्सिमम कट ऑफ WO में गया हुआ है, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट WO भी 650 के करीब गया हुआ है। अब ESM में 370 और 483, TACBIC और ITI का मैक्सिमम कट ऑफ, क्योंकि WO नहीं लेता है एक सर्विसमैन कैटेगरी में। OH 461.329, 575.103, ये भी WO का ही है। VH 484 529 UDC का है, HH 356 489 ITI का है, और PWD 346 736 ये भी कोई इंटरव्यू पोस्ट का होगा। ये जो जनरल डेटा है, मैंने जनरलाइज करके यहाँ पे दिखा हुआ है, बट जो देखने की चीज़ है, मिनिमम कट ऑफ फॉर UR इज 551 एंड मैक्सिमम कट ऑफ 671.341। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, 671.341 WO का कट ऑफ। मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था, अगर आई बटन में ये वीडियो जा देखोगे, जो वीडियो मैंने दिया हुआ है, मैंने फाइनल प्रेडिक्शन वीडियो में दो तीन चीज के बाद, मैंने 540 के जगह 560 प्रेडिक्ट किया था, 499 के जगह 495 प्रेडिक्ट किया था, ST 477 के जगह 490 प्रेडिक्ट किया था, OBC में 545 प्रेडिक्ट किया था, और UR में 560 प्रेडिक्ट किया था। अब द पॉइंट इज, मैंने बोला था 560 के अप जो है वो बिल्कुल सेफ है, जो एक्चुअली द पॉइंट इज, मैंने ऐसे ही करके प्रेडिक्ट करता हूं कि इस मार्क्स के अप जो है वो पूरा सेफ है। OHVH HH के लिए ज्यादा वैकेंसीज नहीं रहता है, बट जो देखने की बात है कि इस साल द लास्ट ईयर ऑफ द प्रीवियस पैटर्न CGL में 551 हैज गॉन द मिनिमम कट ऑफ फॉर UR, 542 फॉर OBC, 477 फॉर ST, 499 फॉर SC, 540 फॉर EWS। और सिमिलरली WO के लिए मैंने बताया था 650 के ऊपर जाएगा UR के लिए, तो इट्स हैव बीन 671। OBC के लिए 648, ST के लिए 571, SC के लिए 590 और EWS के लिए 649। मतलब EWS और OBC का एकदम बराबर ही गया हुआ है, UR का 671। मतलब वही गिन चुन के कुछ लोग ही है, जो लोग मिलेगा नहीं मिलेगा उस लोग के ऊपर जाएगा। और जिन लोगों का WO का मैक्सिमम कट ऑफ नहीं गया है, तो एक ही पोस्ट है जिसमें मैक्सिमम कट ऑफ जाता है, ME। ME में मैं देखा UR में ME कैटेगरी में ME पोस्ट में 602 गया हुआ है, दिस इज आउट ऑफ 700। 200, 400, 100, 700 में 602 इज द कट ऑफ फॉर ME। मतलब क्या है, टॉपर्स ही जा रहा है ME में। पर जो लोगों को नौकरी मिल रहा है, ये जो बीच में जो कैटेगरी है, अब सबसे ज्यादा कंपटीशन किसका होगा, सब लोग तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म दे के आए हो, कंपटीशन कहां पे होगा? सपोजेडली 551 UR है, तो 560 के 580 के अंदर जिन लोगों का मार्क्स है, अब तो पोस्ट मिल गया हुआ है, CGDA CAG, ये सब जैसे जैसे तुम लोग प्रेफरेंस दे के आए हो पोस्ट मिल गया हुआ है, बट अभी
जिन लोग सिलेक्टेड हुए सबसे बढ़िया बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट साल का पैटर्न चेंज हो गया है, तो इस साल हैज बीन द लास्ट पैटर्न। तो I am perfectly sure that you have made it very, very much through, but अभी तक गेम फिनिश नहीं हुआ है, थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना बाकी हो गया, क्योंकि अभी जो आएगा वो AIR आएगा। AIR इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइनल लिस्ट में, इसे सीन खुद AIR दे देते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। AIR देखो, फिर अपना पोस्ट के वजह से पोस्टिंग का कितना चांसेस है देखो, क्योंकि अगर सपोजिटली यू आर फ्रॉम यू आर और आपका रैंक है 2569 सपोजिटली, और आपको मिला है CAG अकाउंटेंट, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको होम स्टेट नहीं मिलेगा। अगर कलकत्ता से हो तो वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अकाउंटेंट का डायरेक्ट रिक्रूट नहीं ले रहा है। लेकिन अगर इस मार्क्स में हो तो होम स्टेट सपोजिटली नहीं मिलेगा। बट अगर आपका होम स्टेट साउथ में है, चेन्नई तमिलनाडु ऐसे जगह में है, तो आपका होम स्टेट मिलने का बहुत हाई चांसेस है। मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है कल रिजल्ट निकलने के बाद कि CAG अकाउंटेंट, CGDA ऑडिटर, ये तीनों पोस्ट के बारे में डिटेल में बोलने के लिए, जॉब प्रोफाइल के बारे में। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हो CGL 2022 का मार्क्स देखे कि एक जॉब प्रोफाइल का लिस्टिंग करके मुझे एक बार बताना। मैं धीरे धीरे बताता हूं। पहली पॉइंट जो है, जो तीन जॉब तुम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया, CAG अकाउंटेंट, CGDA ऑडिटर, ये तीनों मैं आई बटन में शेयर कर देता हूँ। मेरे लाइब्रेरी में, चैनल के लाइब्रेरी में तीनों एकदम डिटेल प्रोफाइल दिया हुआ है। JSO के लिए जो जाने वाले उन लोगों का वीडियो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो मैंने बताया वहां पे, तो जरूर देखो, आई बटन में है। अलग अलग वीडियो में आई बटन में शेयर करके दे रहा हूँ। और भी जिन लोगों का जॉब प्रोफाइल का क्वेरी रहता है, किसी का सपोजिटली SI इन CBN का क्वेरी रहेगा, किसी का TA CBIC, किसी का TA CBDT, किसी का TA CBDT वर्सेस TA CBIC, ये सब भी क्वेरी रहता है, उन लोगों के लिए मैं ऊपर आई बटन में एक प्रोफाइल शेयर करता हूँ, एक प्लेलिस्ट, उसका नाम है जॉब प्रोफाइल्स 2400 ग्रेड पे टू 4800 ग्रेड पे। TA CBIC CBDT से लेकर EO अकाउंट्स ऑडिट सबका जॉब प्रोफाइल वहां पे तुम लोगों को मिलेगा। तो जाओ जरूर, अपना जो भी पोस्ट पसंदीदा है, जो पोस्ट मिला हुआ है, पता नहीं है क्या होता है CGDA में, क्या होता है काम, क्या करना होता है, CAG अकाउंटेंट तो मिल गया है, पैसा तो मिलेगा, लेकिन काम क्या होगा, क्या मुझे अपने लिए टाइम मिलेगा, पढ़ाई के लिए, फ्यूचर पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा, सब डिटेल्स मैंने वहां पर शेयर कर दिया है। कोई भी अगर पर्सनल कोचिंग चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप फ्लैश हो रहा है, कोई भी अगर पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो एक प्रोसेस होता है उनका, तो वो भी नीचे व्हाट्सएप जो है वहां पे फ्लैश हो रहा है। मीट फॉर SSC का फेसबुक इंस्टा टेली जो नीचे फ्लैश हो रहा है, वहां पे जाके जरूर फॉलो करो, अपना क्वेरीज पूछो, क्योंकि अभी आप लोगों का बहुत सारे डाउट आने वाला है, कौन सी पोस्ट, ऐसा पोस्ट में क्या होता है, नहीं होता है, ये सब सैलरी वैलरी, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट से हूं तो अगर सेंट्रल में आता हूं क्या क्या है, ये सब क्वेरी वहां पे जाके पूछो। मेरा जो म्यूजिक लिंक है, अगर रिफ्रेशमेंट के लिए, आई बटन में तो और जगह नहीं है, डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरा लगे तो डिसलाइक करना, बट आई होप ये वीडियो वो बुरा लगने का कुछ है नहीं, बट स्टिल इफ यू इंसिस्ट, इफ यू आर लाइक दैट, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को फॉलो करते रहना, मुझे फॉलो करते रहना, द नेक्स्ट स्टेजेस विल बी मच मच बेटर, द टेंशन इज अप, यू गाइज हैव क्वालिफाइड, सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। जो लोग नहीं कर पाया हो, ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। जो भी क्वेरीज डाउट्स नीचे कॉमेंट्स में, मीट फॉर SSC का इंस्टा फेसबुक में, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, अपना क्वेरीज पूछो, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करते रहो, देखते रहो मीट फॉर SSC। सी इन द नेक्स्ट वीडियो में गाइस, एंड गुड बाय, ऑल द वे बेस्ट।